हीरो के साथ सेल्फी लेना फैन को पड़ गया भारी, एक्टर ने चढ़ दिया तमाचा। साउथ एक्टर नंदमूरी बालकृष्णा ने हाल ही में सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे अपने एक फैन को जोरदार तमाचा जड़ दिया। दरअसल बीते बुधवार को उपचुनाव के सिलसिले में तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी के चुनाव प्रचार के लिए आंध्र प्रदेश के नांदेड में थे। इसी बीच उनका एक फैन सेल्फी लेने की कोशिश में धक्का मुक्की के बीच बालकृष्णा से टकरा गया। बस फिर क्या था, बालकृष्ण ने आओ देखा नताव और फैन को तमाचा जड़ दिया। ट्विटर पर वह वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें बालकृष्णा भीड़ के बीच उस फैन को थप्पड़ मारते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब बालकृष्णा ने किसी को थप्पड़ मारा है। इससे पहले 2016 में तिरुमला मंदिर में भी सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे एक शख्स को उन्होंने थप्पड़ मारा था। बता दें कि बालकृष्णा की अपकमिंग तेलुगु मूवी पैसा वसूल 1 सितंबर को रिलीज होगी, जब सलमान ने जड़ा रणबीर को तमाचा। कहा जाता है कि एक बार सलमान ने रणबीर को कसकर थप्पड़ रसीद कर दिया था। रणबीर उस समय टीनेजर थे जब एक रेस ड्रम में सलमान खान से उलझ गए। इस दौरान गुस्साए सलमान ने न केवल रणबीर की कॉलर पकड़ी बल्कि उनके गाल पर थप्पड़ भी रसीद कर दिया। जब इस बारे में सलमान के पिता सलीम खान को पता चला तो वे उन्हें लेकर ऋषि कपूर के घर पहुंचे और बाद में माफी मांग ली। रन भोला रन के सेट पर गोविंदा ने नीरज वोरा को जड़ा था थप्पड़। रन भोला रन के डायरेक्टर नीरज वोरा को गोविंदा ने फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी बात पर नाराज होकर थप्पड़ मार दिया था। इसके पहले गोविंदा ने 2008 में मूवी मनी है तो हानि है की शूटिंग के दौरान एक फैन संतोष राय को थप्पड़ मारा था। इसके बाद राय ने बॉम्बे हाईकोर्ट में केस दायर किया था। गोविंदा का कहना था कि राय ने साथ ही महिला आर्टिस्ट के साथ बुरा बर्ताव किया था, इसीलिए उन्होंने उसे थप्पड़ मारा था। पार्टी ने शाहरुख खान ने जड़ा था शिरीष कुंदर को थप्पड़। बात तब की है जब संजय दत्त ने अपनी फिल्म अग्निपथ की सक्सेस पार्टी दी थी। इस पार्टी में बॉलीवुड की लगभग हर बड़ी हस्ती मौजूद थी। पार्टी में शाहरुख खान और शिरीष कुंदर फराह खान के पति भी मौजूद थे। इसी दौरान शिरीष ने शाहरुख के सामने उनकी फिल्म राह वन को लेकर कोई कमेंट कर दिया जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सके और आओ देखा नताव थप्पड़ रसीद कर दिया। हालांकि बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया था। ऐश्वर्या, कैटरीना, सतीश और सुभाष को थप्पड़ मार चुके हैं सलमान। सलमान ने उस समय ऐश्वर्या को थप्पड़ मारा जब दोनों के बीच रिश्ते नाजुक मोड़ पर पहुंच चुके थे। इतना ही नहीं, सलमान कैटरीना कैफ पर भी हाथ उठा चुके हैं। वे फिल्म तेरे नाम के सेट पर डायरेक्टर सतीश कौशिक को भी तमाचा जड़ चुके हैं। खबरों की माने तो सलमान खान के गुस्से के शिकार सुभाष घाई भी हो चुके हैं। बात तब की है जब ऐश्वर्या ने घाई साहब के साथ फिल्म ताल में काम किया था। उस समय सलमान और ऐश्वर्या के बीच अफेयर की चर्चाएं आम थीं और सलमान नहीं चाहते थे कि सुभाष घाई की फिल्म में काम करें। मीडिया में अपुष्ट खबरों के मुताबिक एक पार्टी के दौरान सलमान ने सुभाष घाई को चाटा तक रसीद कर दिया था। हालांकि बाद में उनके पिता सलीम खान ने सलमान को घाई साहब से माफी मांगने को कहा और मामले को शांत करवाया। सोहेल खान ने वरुण धवन को मारा था थप्पड़। खबरों की माने तो एक बार सोहेल खान और वरुण धवन के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। मामला इस कदर बिगड़ा कि सोहेल ने वरुण को थप्पड़ मार दिया। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस घटना को कभी खुलकर स्वीकार नहीं किया। पूजा भट्ट, कहा जाता है कि फिल्म धोखा की शूटिंग के दौरान पूजा भट्ट ने मुजम्मिल इब्राहिम को थप्पड़ जड़ा दिया था। दरअसल इसकी वजह यह थी कि मुजम्मिल उम्मीद के मुताबिक सही एक्सप्रेशन नहीं दे पा रहे थे।
पार्टी में ज्यादा शराब पीने पर अंकिता ने सुशांत को मारा था थप्पड़। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2015 में एक पार्टी में जब सुशांत सिंह राजपूत ने ज्यादा शराब पी ली, तब अंकिता लोखंडे ने उन्हें थप्पड़ रसीद कर दिया था। बता दें कि उस वक्त अंकिता सुशांत की लिव इन पार्टनर हुआ करती थी, हालांकि अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। आदित्य पंचोली ने कोएक्ट विजय भाटिया को मारा था थप्पड़। अगस्त 2015 में दिलवाले के सेट पर आदित्य पंचोली ने किसी बात पर कोएक्ट विजय भाटिया को थप्पड़ रसीद कर दिया था। एक लीडिंग मीडिया हाउस के अनुसार दिन का शूट शुरू होने ही वाला था कि आदित्य विजय के पास आए और उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। उनके इस बिहेवियर से सेट पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स सकते में आ गए। हालांकि इसकी वजह अनजान रही। रणवीर शौरी ने पूजा भट्ट के भाई को मारा था थप्पड़। रणवीर शौरी कभी पूजा भट्ट के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहा करते थे, लेकिन उनकी ये नजदीकियां पूजा के भाई राहुल भट्ट को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वे अक्सर इसके लिए पूजा को टोकते रहते थे। राहुल का इस तरह पूजा की लाइफ में दखल देना रणवीर को अखरता था। बताया जाता है कि एक बार गुस्से में आकर उन्होंने राहुल को थप्पड़ भी जड़ दिया था।